फिर नौ बुद्ध साथियों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं गंधारपाले बुद्ध लेनी के ऊपर एक ऐतिहासिक संशोधन के पास। एक ऐतिहासिक संशोधन है यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज हमने कुछ नई खोज की है। यानी कि असल में ये वास्तु पुरानी है लेकिन बहुत देर से ये दुर्लक्षित हो पड़ी है, पता नहीं है किसी को, तो इसके बारे में थोड़ा सा नया जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेनी में दो शिलालेख है इसकी जानकारी थी। बहुत सारे जेम्स बर्जेस हैं, इनकी किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि दो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर है। बहुत सारे अभ्यासकों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि इस लेनी में दो शिलालेख है। जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो ये गंधारपाले बुद्ध लेनी के ऊपर हम काम करते समय इस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान हमें एक और शिलालेख पाया है जो असल में ऐतिहासिक है, लेकिन हाल ये है कि वो बहुत ही पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यानी कि उसके कुछ वर्ड तो पता चला, यानी कि ये शिलालेख यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास का एक एविडेंस तौर पर से माना जाता है कि किसने इसको लेने का दान दिया होगा। शायद हमें ये पता ना चले कि किसने दान किया हो, लेकिन अक्षरों से ये पता चलता है कि ये लेनी का निर्माण कब हुआ था। तो यही देखने के लिए जब आप एंटर करेंगे तो मैं गंधारपाले बुद्ध लेनी की चार क्रमांक की जो लेनी है, जैसे कि तीन क्रमांक की लेनी से नीचे आएंगे स्टेयर उतर कर नीचे आते हैं तो पांचवी चौथी लेनी आप बाजू में है, और उस चौथी लेनी की जस्ट दीर्घिका में प्रवेश करेंगे सामने का भाग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। ये भी नष्ट होने की कगार पर है, कभी भी ये जो आगे का जो छत है वो गिरने के कगार पर है। तो शायद ये क्योंकि इसका जो निचले का हिस्सा है, इसको जो स्ट्रक्चर का जो ये कह सकते कि उसका जो बेस है, अगर ये शायद हम बनाएंगे रिटर्न से तो शायद ये रह सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी इसका हालत बहुत बुरा है। अभी मैं आपको एक नया संशोधन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नया शिलालेख यहाँ पर पाया है, और ये शिलालेखों की कुछ सामने के वर्ड है वो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पहला जो शब्द है वो स है, ये पहले लाइन का शब्द है और इसके ऊपर एक वेलांटी दी गई है। यानी कि ये शब्द सी से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे शिलालेखों की शुरुआत है वो सी धम्म से हुई है, तो शायद ये वर्ल्ड भी सिद्धंग के नाम से शुरुआत हुई है। यानी कि आगे जो शब्द होगा वो ध होगा, यानी कि सिद्धम उसके ऊपर अनुस्वार होगा, ये तय है। और दूसरे लाइन में हमें ये शब्द पाया जाता है, ये द है और उसको मात्रा है, तो ये दे लिखा हुआ है। तो शायद जब इसको पूरा तरीके से देखेंगे तो ये दे या धम्म शब्द प्रॉपर लेनी में होता है, हर एक शिलालेखों में हम पाते हैं, और इस लेनी में भी ये देय धम्म शब्द दोनों शिलालेखों में पाया है। तो ये देय धम्म इस शिलालेख यहां पर भी पाया जाता है हर एक से, क्योंकि ये भाग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। और उसके बाद पहली लाइन पे कुछ यहाँ पे वर्ड्स है वो मैं आपको बताने के लिए, लास्ट में ये जो है स साफ साफ तरीके से दिख रहा है, उसके आगे ये न भी साफ साफ तरीके से दिख रहा है, उसके आगे यह भी साफ साफ तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये आगे के कुछ वर्ड है वो साफ तरीके से दिख नहीं रही है। तो यानी कि क्या हो गया, ये पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके दो वर्ड से या दो तीन चार वर्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक एविडेंस के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसका इतिहास एक खूब तरीके से बना है। तो दोस्तों शायद यहाँ पर कुछ वर्ड देखने के लिए पता ना हो, या लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो हमें ये महसूस करते हैं कि किसने इस लेनी का दान किया है, और क्या दान किया है, तो लेनी का दान किया ये तो साफ होता है। तो हर एक शिलालेखों का यही एक होता है कि सिद्धम यानी कि धम्म को अनुसरण करके उन्होंने ये शिलालेख लिखा हुआ है, किसने ये दान किया है उनका दिया, और उसको देय धम्म किया यानी कि धम्म के लिए दान किया हुआ है। तो ये जो लेनी क्रमांक चार है, ये जिसने दान किया है उसका इसके मीन्स नाम होगा, डेफिनेटली नाम होता है, वो किस जगह का रहता है उसका नाम होता है, और वो क्या करता है ये भी होता है। यानी कि वो तो व्यापारी हो सकता है, किसान हो सकता है, या राजा हो सकता है, या अधिकारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो थे वो व्यापारी लोगों ने यहाँ पर दान किया और एक अधिकारी ने दान किया हुआ है, तो शायद ये भी एक व्यापारी ने दान किया हुआ लेनी का शिलालेख है, साफ साफ तरीके से हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो ये एक ऐतिहासिक संशोधन है दोस्तों। ABCPR यानी एंशेंट बुद्धिस्ट के प्रिजर्वेशन रिसर्च की धम्मलिपि सिक्खन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस लेनी का इस शिलालेखों का संशोधन किया हुआ है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी भी मिलनी चाहिए, इसके लिए ये हमने बात रखी है। इसके अक्षर, बहुत सारे अक्षर खराब हो चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि किसी ना किसी ने धम्म को अनुसरण करके इस लेने का धम्मदान किया हुआ है, ये बात हमें यहाँ पर साफ तरीके से दिखती है। तो दोस्तों ये है ऐतिहासिक संशोधन, आपके सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक संशोधन लोगों को पता नहीं होते हैं, तो ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये था हमारा आज का संशोधन, हमने आपके सामने रखा भी, आपको पता भी होगा कि किस तरीके से ये संशोधन होता है। तो ABCPR टीम के माध्यम से ज़्यादा लेनियों का संशोधन भी होगा, और उसके साथ साथ ऐसे गुमनाम शिलालेख भी आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों तो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये इंफॉर्मेशंस सीमित ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी भी जाए। इसके लिए ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक शेयर कर ले जा रहा, ये हम कोशिश है हमारी कि हमारे भारत का ऐतिहासिक धरोहर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम विनती करते हैं आपसे, अपील करते हैं कि ये वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को भारत के हर कोने तक पहुँचाने का जिम्मेदारी ले लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों ये है हमारी कोशिश, और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए दोस्त हमारा सहयोग कर दिया, हमारा साथ कर लीजिए। और दोस्तों ABCPR टीम के इस लेनी संवर्धन की कृति कार्यक्रम में भी आपका सहयोग जरूर दे दीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर आज गिरने की कगार पर है, तो शायद कुछ हो सके, इसको बचाने की कोशिश की जा सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के लिए, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।